जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो मेरे से बोल रहे हैं कि सर आपका जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, आपका जो जर्नी है कैसी रही, तो मैं ये इसमें मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। कि वैसे तो मैंने एक दो वीडियो और भी बनाए, लेकिन फिर भी ये मैं पर्सनली अपने जो एक्सपीरियंस रहा उसको शेयर कर रहा हूँ कि फौज की नौकरी मेरे को कैसे लगी। जैसे कि आप सबको पता है कि जब बचपन में ही हमारा ये सपना होता है, अधिकतर जो गाँव विलेज में या गाँव में रहते हैं उन लोगों का तो सपना फौज बहुत बड़ी चीज़ है अगर फौज मिल गई तो, क्योंकि एक तो रिस्पेक्ट गांव में बहुत ज़्यादा मिलती है फौजियों को, और आपको पता है अगर इंसान को जहाँ रिस्पेक्ट मिले वहाँ वो जरूर जाएगा। तो दोस्तों मेरा तो ऐसा है कि मैं 2017 में जब लगा था, 2015 की वैकेंसी आई है, तो उससे पहले काफ़ी कष्टदायी जीवन जिया हमने भी। तो मैं जैसा कि मेरे वीडियो में एक बार पहले ही बता चुका हूँ कि जब हम 8th क्लास में था तभी काम करना शुरू कर दिया था। परिवार की स्थिति इतनी अच्छी थी नहीं तो काम करना शुरू कर दिया था बाहर जाके। फिर 10th क्लास की जब छुट्टियां मिलती थी खदानों में काम करते थे, हमारे पास में मार्बल एरिया वहाँ पर बहुत काम किया है, खदानों में काम करते थे, उससे पैसे कमाए। फिर 11th 12th की फिर खदानों में काम करना चल रखे, साथ में कोचिंग भी करते थे। फिर हम एक दो साल लगातार हॉस्टल में रह कर तैयारी की मैंने, उसके बाद में ये पेपर दिया था मैंने 2015 की वैकेंसी थी, 2017 में मेरा नंबर आया था दोस्तों। तो 21 मार्च 2017 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। इससे पहले मेरा मेडिकल मेरे बर्थडे के दिन ही हुआ था 25 जून को। तो दोस्तों उसके बाद का जो ज़िंदगी का सफ़र है वो काफ़ी अच्छा रहा है मेरा। ट्रेनिंग टाइम से बोलते हैं ना ट्रेनिंग हार्ड होती है, नहीं होती है उन लोगों के लिए जिनकी परिवार की स्थिति दयनीय होती है, उन लोगों को हार्ड नहीं लगती है, क्योंकि जो लोग अपने परिवार से जुड़े होते हैं उनको पता है कि उनके परिवार की कंडीशन कैसी है, उनको पता है कि उनको घर कैसे चलाना है, उनका परिवार किस स्थिति में जी रहा है, उनके आज मतलब जो नॉर्मल जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो भी उनके पास में नहीं है, मतलब मकान कपड़ा रोटी जो बोलते हैं कि ये तो होना ही चाहिए वो भी नहीं है। तो उन लोगों को पता है, उन लोगों को ट्रेनिंग हार्ड नहीं लगती दोस्तों। ट्रेनिंग हार्ड बोलते हैं ना, ट्रेनिंग बहुत हार्ड है, बिल्कुल ईजी लगती है उन लोगों को, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं उनका घर चलाने के लिए, उनकी परिवार की स्थिति उनको पता है कि इस जॉब से चेंज हो जाएगी, साथ में देश सेवा की जॉब है तो इज्जत भी है, गाँव समाज में इज्जत भी बढ़ जाएगी। तो मतलब दोनों चीज़ें, ये एक ऐसी जॉब है इसमें मतलब दोनों हाथों में लड्डू और मुँह में भी, मतलब देश सेवा भी, आपको इज्जत भी और पैसा भी। दोस्तों तैयारी बंद मत करिए, अगर आप हताश नहीं होना है तो मैं बता दूं कि फिर जैसे ही सिलेक्शन हुआ मेरा, तो उससे पहले बोल रहा हूँ कि इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी हमारी, मतलब काफ़ी कमज़ोर स्थिति रही है, जीवन काफ़ी कष्टदायी जीवन जिया है। उसके बाद में जैसे ज्वाइनिंग हुई उसके बाद में ट्रेनिंग हार्ड, जब हमने भी सुना था हार्ड है ये है वो है, कुछ पता नहीं चला। ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई कब, 12 महीने की, पता ही नहीं चला। पहली बार इसकी वजह से, जॉब की वजह से फ़्लाइट में बैठने का मौका मिला, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी कुछ ऐसी दूरी पे हुई थी, इससे पहले कहाँ फ़्लाइट में बैठने को मौका मिला था। हम गांव में रहने वाले इंसान थे, 10th क्लास तक तो घर वाले पकड़ पकड़ के स्कूल लेके जाते थे, 10-10 डंडे मारते थे, तब तो हम स्कूल में पहुँचते थे और फिर उधर से मास्टर 4 डंडे मार के फिर घर भगा देता था, ये तो हमारे हालात थे। तो उन लोगों को कहाँ फ़्लाइट में बैठने का मौका मिलता है दोस्तों। लेकिन खुशकिस्मत है कि माँ बाप ने इतना कुछ सिखाया कि भाई आगे जाके मेहनत करके पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, और ख़ुद को ही पता चल गया समय के साथ कि आज जीवन जीना है तो इज्जत और पैसा दोनों ज़रूरी है, और देशभक्ति भी आपको पता है कि ये भी कई लोगों का जज्बा होता है, नहीं मिल पाती है, किस्मत से मिलती है ये भी। तो उसके बाद में जब ज्वाइन किए तो फर्स्ट टाइम ही हमको प्लेन में बैठने का मौका मिल गया, ट्रेनिंग के जो मिड टर्म ब्रेक होता उसी में प्लेन से हम गए थे दिल्ली तक, और पहला एक्सपीरियंस रहा बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि सोचा भी नहीं था कभी ज़िंदगी में कि ऐसे प्लेन व्लेन में बैठने का मौका मिलेगा। प्लेन तो छोड़ो, एसी रिजर्वेशन में भी बैठने का कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में, क्योंकि आपको पता है हम तो लोकल में जाने वाले आदमी, वो भी बिना टिकट के। कई बार ऐसा हुआ है टिकट कटाने के लिए भी सोचते थे यार 20 रुपये खर्च हो जाएंगे, 40 रुपये खर्च हो जाएंगे, पैसे एग्ज़ाम देने जाते तो घर वाले इतने पैसे देते सोचते थे, लेकिन फिर कटाते थे जनरल का टिकट लोकल में, किससे मतलब 12-12 घंटे खड़ा होके पेपर देने पहुंचते थे एग्ज़ाम सेंटर में। तो ऐसी स्थिति रही है क्योंकि पैसे की तंगी बहुत इंसान को मार देती है, बहुत सारी चीज़ें आपसे छीन लेती है। तो उसके बाद में जब प्लेन में बैठने को जब इंसान को मौका मिल जाए तो आप बताइए ट्रेनिंग हार्ड हो सकती है क्या? आपके परिवार की स्थिति से हार्ड नहीं हो सकती ट्रेनिंग, आपकी परिवार की और आपकी जो कंडीशन है उससे हार्ड करते ही नहीं हो सकती कोई भी ट्रेनिंग, क्या कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे अगर जीवन में कोई हार्ड है तो वह है परिवार चलाना, परिवार की स्थिति चेंज करना, अपना जीवन चेंज करना, अपने जीवन शैली चेंज करना, परिवार को खुशियां देना, खुद खुश रहना, पैसा कमाना, ये सबसे हार्ड है आज के टाइम। ट्रेनिंग कुछ हार्ड नहीं, वो तो फिजिकल है,
आप जैसे जैसे करोगे आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा, ताकत आती जाएगी शरीर में, खाने पीने को दबा के मिलता है फौज में। तो कैसे हार्ड हुई भाई? धीरे धीरे वो तो ताकत आती जाएगी आपके शरीर में, जितना आप ट्रेनिंग करोगे उतनी ताकत आ जाएगी, स्ट्रांग बन जाओगे आप। तो वो तो अच्छा देख के खुद को ही लगेगा, जैसे मैंने आज भी मेरे वहाँ पे लगाई है कि फ़ोटो आप देखना, उसमें हाथ के जो नशे भी दिख रही होगी आपको, क्योंकि जब ट्रेनिंग करते हैं तो पूरा मतलब जोश भी रहता है आपको, मजबूरी भी है लेकिन ताकत आती है उससे, फ़ायदा शरीर में ज़रूर होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो इससे मुझे बता दो, आप खुद बता दो क्या परिवार की जो कंडीशन होती है उससे हार्ड कोई चीज़ हो सकती है ज़िंदगी में? आज आपके मतलब माता पिता कोई बीमार हो गए, बहन, या आपको हॉस्पिटल ले जाने के लिए पैसे नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए चार चार घंटे, चार चार पाँच पाँच घंटे, दस दस घंटे वेट करना पड़ता है। तो उस समय इंसान सोचता है मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन साला थोड़ी सी तो इनका जीवन स्तर चेंज करूँ, तो उससे हार्ड तो नहीं हो सकती ना। तो ये सोचना ही नहीं है कि कभी हार्ड होती। तो मेरी ट्रेनिंग में तो बोलता हूँ गजब की रही है ट्रेनिंग, इतनी ताकत आ गई शरीर में, इतना मतलब आप देख रहे हो कैसा चेहरा खिलखिला कर रखा है। तो इतनी ताकत आई शरीर में, इतनी जान मिली है, और साथ में इतना सम्मान मिला गांव समाज, जब पहली बार छुट्टी गए थे तो वही लोग जो हमको पहले क्या बोलते थे, फिर उनका क्या रिएक्शन हो गया, मतलब ये तो आप खुद ही फील कर लोगे। आने वाले दिनों में जो बंदा फौजी बन जाएगा थोड़े से समय बाद में, खुद ही देख लेगा कि मतलब पहले लोग क्या बोलते हैं और जब बन के जाएगा छुट्टी में तो क्या बोलते हैं। ऐसा फील होगा जैसे मतलब बहुत बढ़िया काम किया है। तो आपको मतलब एप्रिसिएशन मिलती है, मतलब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई बहुत बढ़िया काम किया ये वो, ये लड़का बिल्कुल अच्छा है, ऐसा ऐसा। और आपको पता ही है ना, जो लोग देश सेवा करते हैं उनका मतलब काफ़िला भी कितना बड़ा होता है, ये तो आपको पता ही है कि ज़िंदगी में क्या क्या ये जब इंसान जाता है तो उसके पीछे का काफ़िला बताता है। तो आपको पता है जो देश सेवा करते हैं उन लोगों के काफ़िले कितने बड़े होते हैं। तो इतना इज्जत सम्मान मिला, उसके बाद में जब मिटरम गए, फिर वापस ट्रेनिंग कंप्लीट की, कुछ हार्ड नहीं लगा। मैं बोल रहा हूँ मेरे परिवार की स्थिति इतनी मतलब नाजुक थी कि ट्रेनिंग कुछ हार्ड नहीं लगी मुझे उसके सामने, और आपको भी नहीं लगेगी। आपके परिवार की अगर स्थिति मेरी टाइप की है तो आपको भी ट्रेनिंग का कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, आप सब कर लोगे, मज़े से कर लोगे, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कुछ सब्जियाँ आपने घर में खाई नहीं होगी जो वहाँ पर खाने को मिल जाएगी, ऐसी सब्जी रोटी मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएगी। अब घर का खाना तो घर का खाना ही होता है, वो तो ज़िंदगी भर इंसान मिस करता रहेगा, चाहे वो दाल चावल ही या दाल रोटी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ऐसी सब्जियाँ ऐसी कुछ चीज़ें खाने को मिलेगी वहाँ पर जो आपने घर पर कभी नहीं खाई है। तो ये सब मिलता है, उसके बाद में अच्छा पैसा मिलता है। ट्रेनिंग कंप्लीट करके आज हमारे चार साल के आसपास सर्विस होने जा रही है, मतलब दिन ब दिन घर परिवार भी अच्छा होता जा रहा है, घर की कंडीशनें भी अच्छी होती जा रही है, हमारे हालात भी सुधरते जा रहे हैं, और चेहरे पे देख रहे हो नूर। अगर चार पाँच साल पुरानी अगर फ़ोटो दिखा दूँगा तो पहचान नहीं पाओगे, नाइट में तो फ़ोटो आने का सवाल ही पैदा नहीं था, ऐसा कलर हो रखा था। आज के चार साल पाँच साल पहले की अगर फ़ोटो दिखाऊँगा तो नाइट में तो फ़ोटो कैमरा फेल हो जाएगा, चाहे कोई सा DSLR ले लाओ, दांत के अलावा दूसरे चेहरे की फ़ोटो नहीं आएगी। इस प्रकार के हालात थे, आज हालात चेंज कर दिए इस जॉब ने, तो देशभक्ति के साथ इतनी इज्जत और इतना पैसा और इतना सम्मान मिलता है। तो दोस्तों अगर फौजी बनने का जुनून है तो कोई ट्रेनिंग वेनिंग कुछ हार्ड नहीं होती, आज से शुरू कर दो तैयारी जीत की। जय हिंद।